हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कुछ वर्ड्स विद पिक्चर देखेंगे। लेटर सी, अल्फाबेट सी से विद देयर डेफिनेशन। तो यहाँ पर हम उसके डेफिनेशन, उसके बारे में भी जानेंगे और उन वर्ड्स को विद पिक्चर भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी दैट इज कैमरा। कैमरा इज अ स्मॉल बॉक्स दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स। तो कैमरा से फोटो खींचने के काम आता है। कैप, अ कैप इज अ सॉफ्ट हैट, इट इज यूज्ड टू कवर द हेड। तो कैप आप सब जानते हैं, जिसे टोपी बोलते हैं और सर कवर करने के काम आता है। देन कैलकुलेटर, A calculator is a small machine that you use to work with numbers. तो calculator एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें हम addition, subtraction, division, multiplication वगैरह कर सकते हैं। इसमें numbers होते हैं। Camp, A camp is to lie outside for a short time. तो इस तरीके का टेंट लगाकर थोड़े समय के लिए बाहर रहना, घर से बाहर कहीं जंगल में या कहीं पर भी रहने को कैंप बोलते हैं। कैंपिंग दैट इज कैंप। कार, अ कार इज अ मोटर व्हीकल विथ फोर व्हील्स एंड एन इंजन। तो कार क्या होता है, एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें चार पहिए लगे होते हैं और एक इंजन होता है। देन कैलेंडर, अ कैलेंडर इज अ चार्ट दैट शोज व्हाट डेज मंथ एंड ईयर्स इट इज। तो कैलेंडर से हमें पता चलता है कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा ईयर, ये तारीख बताने के काम आता है कैलेंडर। देन कैंडल, A candle is a stick of wax with a string through the middle. तो कैंडल एक मोम, जिसे हम मोमबत्ती बोलते हैं, मोम का एक स्टिक होता है जिसमें बीच में एक धागा होता है और जिसको जलाने से रोशनी होती है। कार्नेशन, A carnation is a type of flower with lots of petals. तो कार्नेशन एक तरह का फूल होता है जिसमें बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, दैट इज पेटल्स होती हैं। नेक्स्ट इज कैमल, अ कैमल इज अ लार्ज एनिमल विथ वन ऑफ द टू हम्प्स ऑन इट्स बैक। कैमल लिव्स इन हॉट ड्राई डेजर्ट। तो कैमल क्या होता है, एक बड़ा जानवर होता है जिसके इस तरीके से एक या दो कुबड़ होते हैं उनके बैक में, और वो डेजर्ट में मेनली कहाँ पाए जाते हैं, हॉट डेजर्ट्स में। कैनोई, ए कैनोई इज अ लॉन्ग नैरो बोट दैट इज मूव थ्रू द वाटर विद पैडल्स। तो एक कैनोई इज अ लॉन्ग, एक बोट होता है जिसमें, जिसे पैडल से चलाया जाता है। देन कारपेंटर, A carpenter is a person who makes things out of wood. तो carpenter मतलब जो furniture बनाता है, बढ़ई, और जो वो person जो लकड़ी से काम करता है और furniture बनाता है। Next is carrot. A carrot is a long orange vegetable that grows underground. कैरेट मतलब गाजर, जो खरगोश को बहुत पसंद होती है और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो कैरेट एक लॉन्ग ऑरेंज कलर की वेजिटेबल होती है जो जमीन के नीचे उगती है। कैट, अ कैट इज अ फरी एनिमल विथ विस्कर्स क्लॉज एंड पॉइंटेड ईयर्स। तो कैट क्या होता है, एक फरदार जानवर होता है जिसे हम बिल्ली बोलते हैं, जिसके पंजे होते हैं और जिसके पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, कान। देन सेंटीपेड, अ सेंटीपेड इज अ स्मॉल एनिमल विथ अ टफ
outer layer on its body and many pair of legs. तो सेंटीपेड एक तरह का स्मॉल क्रिएचर दैट इज इंसेक्ट जैसा होता है जिसके बहुत सारे सेंटी मीन्स हंड्रेड हंड्रेड लेग्स होते हैं. देन कैरी कैरी मीन्स टू कैरी समथिंग इज टू टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैरी मीन्स किसी चीज को उठाना ढोना किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या बोलते हैं कैरी जिसे लादना उठाना ढोना भी बोलते हैं. कैटरपिलर अ कैटरपिलर इज अ यंग बटरफ्लाई और मोथ विथ मेनी लेग्स. कैटरपिलर क्या होता है बटरफ्लाई बनने से या मोथ बनने से पहले ये एक इंसेक्ट्स होते हैं बनने से पहले क्या होता है लार्वा चेंज होता है इस शेप में जिसके बहुत सारे पैर होते हैं कैट इसे बोलते हैं कैटरपिलर. और उसके बाद अभी यंग फेज में ये कैटरपिलर होता है उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई में. सीरियल अ सीरियल इज अ काइंड ऑफ ग्रास दैट इज ग्रोन फॉर इट्स सीड्स दैट आर यूज टू मेक फूड. तो सीरियल मतलब एक तरह की घास जिसको उगाते हैं ग्रो करते हैं उसके सीड्स के लिए और उसके बाद उससे हमारे लिए फूड निकाला जाता है जैसे कि वीट राइस ये सब क्या है सीरियल. देन कैसेट अ कैसेट इज अ प्लास्टिक कंटेनर फॉर टेप कैसेट. तो आप में से बहुत बच्चे तो कैसेट ने देखा भी नहीं होगा. सीडी आज के ज़माने में डीवीडी और सीडी आती है उससे पहले इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर में टेप रोल होता था जिसमें मूवी गाने इस तरीके की चीज़ें जो आज सीडी और डीवीडी में आती हैं वो आती थी इसे बोलते हैं कैसेट. देन कॉलीफ्लावर अ कॉलीफ्लावर इज अ वेजिटेबल विद ग्रीन लीव्स एंड अ वाइट मिडिल. कॉलीफ्लावर जिसे हम फूल गोभी बोलते हैं एक तरह की वेजिटेबल होती है जिसके इस तरीके से ग्रीन लीव्स और बीच में एक वाइट फ्लावर जैसा मिडिल में होता है जिसका वेजिटेबल जिससे हम वेजिटेबल बनाते हैं सब्जी बना के खाते हैं. नेक्स्ट चेयर अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर फॉर वन पर्सन टू सिट ऑन. चेयर मतलब कुर्सी कुर्सी एक तरह का फर्नीचर होता है जिसमें एक इंसान बैठ सकता है. देन नेक्स्ट इज कैसल अ कैसल इज अ लार्ज बिल्डिंग विथ थिक स्टोन वॉल्स एंड टॉल टावर्स. तो कैसल जैसे एक तरह का लार्ज बिल्डिंग महल जैसा जो पत्थर के वॉल से बना हुआ होता है और जिसमें लॉन्ग लॉन्ग टावर्स होते हैं उसे कहते हैं उस तरीके के महल को कहते हैं कैसल. देन केव केव मतलब गुफा. अ केव इज अ लार्ज डार्क होल इनसाइड अ हिल और इन द साइड ऑफ अ क्लिफ और अंडर द ग्राउंड. तो गुफा क्या होता है एक बहुत ही बड़ा डार्क होल जो किसी पहाड़ के अंदर हो सकता है जमीन के अंदर हो सकता है उसे क्या बोलते हैं गुफा उससे वही होता है क्ले केव. देन कैमेलियन कैमेलियन A chameleon is a type of lizard that can change the color of its skin to match the leaf and branches it is sitting on. तो chameleon एक तरह का lizard होता है जो अपना color change कर सकता है वो जिस जगह पे बैठता है उस तरह का वो color में change हो जाता है जिसे हम गिरगिट बोलते हैं जो अपना रंग. तो chameleon वी प्रोनाउंस लाइक कैमेलियन और चैमेलियन जैसा प्रोनाउंस करना है बट इसका टाइप ऑफ लिजर्ड जिसे हम गिरगिट बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना. सो चैमेलियन और कैमेलियन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वर्ड इज चैम्पियन. अ चैम्पियन इज अ पर्सन हु विन्स अ गेम और कॉन्टेस्ट. तो किसी गेम के विनर या कॉन्टेस्ट के विनर को क्या बोलते हैं चैम्पियन.
दैट इज विजेता, हिंदी में क्या बोलते हैं, विजेता, चैंपियन, विनर. चीयर, टू चीयर इज टू वेव योर हैंड्स इन द एयर एंड शाउट विथ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस. चीयर मतलब खुशी से अपने दोनों हाथों को हवा में हिलाना और उछल उछल के अपनी खुशी जाहिर करने को बोलते हैं चीयर. चेस्ट, योर चेस्ट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी बिटवीन द नेक एंड द स्टमक. ये स्टमक और ये नेक के बीच का जो ये पार्ट होता है इसे बोलते हैं चेस्ट, जिसे हम छाती बोलते हैं हिंदी में. चार्ट, a chart is a way of showing information such as a list, a graph or a table. तो चार्ट मतलब किसी इंफॉर्मेशन को लिस्ट की तरह, किसी ग्राफ की तरह, किसी टेबल की तरह इस प्रकार शो करने को क्या बोलते हैं, चार्ट. देन चीज, अ चीज इज अ फूड मेड फ्रॉम मिल्क. हम सब चीज को जानते हैं, पिज्जा में खाते हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों को चीज बहुत पसंद होती है. तो चीज एक तरह का फूड होता है जो फर्मेंट, मिल्क को फर्मेंट करके बनाया जाता है. देन चिकन, अ चिकन इज अ फार्म बर्ड. चिकन, हेन के बच्चे को चिकन बोलते हैं. चेज, टू चेज इज टू रन आफ्टर समवन और समथिंग. चेज मतलब पकड़ना, किसी का पीछा करना, तो चेस बोलते हैं. जैसे कैट माउस को चेस कर रही है, पुलिस थीफ को चेस करती है, किसी चीज या किसी व्यक्ति को, पर्सन के पीछे भागना को क्या बोलते हैं, चेस करना. देन चीता, अ चीता इज अ लार्ज वाइल्ड कैट विद अ स्पॉटेड कोट. तो चीता क्या होता है, एक लार्ज वाइल्ड एनिमल होता है. ये भी एक कैट फैमिली का होता है जिसमें इस तरीके से स्पॉट होते हैं. तो ये भी टाइगर में लंबी धारियां होती हैं और चीता में इस तरीके से स्पॉट होते हैं. देन चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स अ यंग बॉय और अ गर्ल. छोटे बच्चा, बहुत छोटा नहीं, जो भी बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चाइल्ड. देन चीप, When something is a cheap, you can buy it with a small amount of money. तो cheap मतलब होता है सस्ता. Cheap उस चीज को बोलते हैं जिसे खरीदने में हमें बहुत थोड़े पैसे लगते हैं, वो चीज होती है cheap, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सस्ता. Chess, a chess is a game played by two people using playing pieces and a ब्लैक एंड वाइट बोर्ड. इस तरीके के वाइट बोर्ड के साथ हम चेस खेलते हैं, जो कि एक तरह का गेम होता है जिसमें टू प्लेयर्स होते हैं और इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट बोर्ड होता है. देन चिमनी, अ चिमनी इज अ लॉन्ग पीस, सॉरी, अ चिमनी इज अ लॉन्ग पाइप ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग दैट टेक्स अवे द स्मोक फ्रॉम अ फायर. तो घर के ऊपर इस तरीके से एक लॉन्ग पाइप होता है जो घर में फायर का जो धुआं होता है, स्मोक होता है, उसे घर के बाहर निकालने के काम आता है, उसे ही कहते हैं चिमनी. नेक्स्ट वी हैव चिंपांजी. चिंपांजी दैट इज अ चिंपांजी इज अ टाइप ऑफ एप स्मॉलर देन मोस्ट ऑफ अदर एप्स. तो चिंपांजी भी एक तरह का एप होता है, एक एनिमल होता है जो मंकी की तरह दिखता है बट उसके टेल नहीं होती है. नेक्स्ट चर्च, अ चर्च इज अ बिल्डिंग वेयर क्रिश्चियन पीपल गो टू प्रे. तो चर्च एक धार्मिक प्लेस होता है जिसे हम हिंदी में गिरजाघर बोलते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन जाते हैं प्रे करने के लिए. जिस तरह मुस्लिम जाते हैं मॉस्क, मस्जिद में प्रे करने के लिए, हिंदूज जाते हैं टेम्पल दैट इज मंदिर में, और सिख जाते हैं गुरुद्वारा में. सिमिलरली क्रिश्चियन जाते हैं चर्च में प्रे करने. क्लॉ, क्लॉ मीन्स पंजा. अ क्लॉ इज द हार्ड शार्प हुक ऑन द फुट ऑफ एन एनिमल सच एज अ कैट और अ बियर.
एक क्लॉ जो होता है पंजा, वो एक हार्ड हुक जैसा पैर का हिस्सा होता है एनिमल के, जैसे कैट और बियर में होता है। देन चिन, चिन जिसे हम हमारी दाढ़ी बोलते हैं, ठुड्डी। योर चिन इज द पार्ट ऑफ योर फेस बिलो द माउथ। लिप्स के नीचे वाला जो पार्ट होता है ये, जिसे हम दाढ़ी बोलते हैं, वो होता है चिन। सर्कल, सर्कल इज अ टाइप ऑफ शेप, सर्कल्स आर राउंड। सर्कल एक तरह का शेप होता है, जिस जो राउंड शेप होता है ऐसा, उसे सर्कल बोलते हैं। कॉल, सोनू इज कॉलिंग टू हर डॉग। कॉल मतलब पुकारना, बुलाना, उसे कहते हैं कॉल। चॉकलेट, अ चॉकलेट इज अ टाइप ऑफ फूड मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ कोको प्लांट्स। तो चॉकलेट क्या होता है, एक तरह का फूड होता है जो कोको प्लांट्स से, कोको सीड से बनाया जाता है। सिटी, अ सिटी इज अ लार्ज टाउन विथ लॉट्स ऑफ बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क एंड लिव। एक सिटी लार्ज टाउन होता है जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं और जहाँ पे लोग काम करते हैं और रहते हैं। क्लास, देयर आर 7 बॉयज इन दिस क्लास। क्लास मतलब कक्षा, क्लास जहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो स्कूल में होता है वो क्लास। और एक क्लास स्टैंडर्ड, क्लास का मतलब स्टैंडर्ड भी होता है। नेक्स्ट कोर, अ कोर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर। बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो एक साथ गाना गाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोर। कोर से ही वर्ड कोरस जो बना है। क्लैप, टू क्लैप इज टू ब्रिंग बोथ द हैंड्स टुगेदर क्विकली टू मेक अ लाउड नॉइज। क्लैप मतलब ताली बजाना, तो क्लैप मतलब होता है दोनों हाथ को जोर से एक दूसरे में मारना, जिससे एक लाउड नॉइज निकलती है, क्लैप। देन क्लर्क, रमेश एंड अशोक वर्क एज अ क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म। क्लर्क जिसे बाबू भी बोलते हैं, क्लर्क ऑफिस में होते हैं एक तरह की।